कि नई गाड़ी लेके इस बिजनेस में आना अभी कैसा रहेगा, या पुराने कस्टमर को पकड़ के काम कैसा रहेगा, काम होगा या नहीं। पर डे का 10,000-12,000 रुपए का काम कर रहे सकते हैं कि अगर किसी की कमाई का धंधा बंद हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसे हुआ आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ नोएडा के अंदर। कमेंट आते हैं, मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि नई गाड़ी लेके इस बिजनेस में आना अभी कैसा रहेगा, या पुरानी गाड़ी लेके इस बिजनेस में आना कैसा रहेगा। तो इसी टॉपिक पे थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। जितनी मेरी रिसर्च है, मार्केट की नॉलेज है, उस हिसाब से मैं बात करूंगा। बाकी आपके मन में क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरी बातों से सहमत हैं भी या नहीं है ये बता सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ओला उबर कभी बंद नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। कभी ना बंद होने वाला ना कहीं जाने वाली कंपनी है, क्योंकि इनका मोटिव एक ही है, कस्टमर को पकड़ के रखना और राइडर को कस्टमर राइडर को मिलाते हैं बस ये, और बीच में अच्छा खासा कमीशन चार्ज करते हैं बिना कोई फैसिलिटी कस्टमर और ड्राइवर को दिए, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं देते। ठीक है, तो काफी लोग मेरे से सवाल करते हैं कि भाई इस बिजनेस में नई गाड़ी लेकर आना सही है या नहीं है, पुरानी गाड़ी ले लें सही है या नहीं है, काम कैसा रहेगा, काम होगा या नहीं होगा। और वाकई इस समय नई गाड़ी लेकर आना इस बिजनेस में सही है, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको पता है 2013-14 में जब ये कंपनियां आई थी, तब लोगों ने पैसे इसमें अच्छा पैसा कमाया। महीने का 2-2 लाख रुपए, 2.5-2.5 लाख रुपए उठा रहे थे। पर डे का 10,000-12,000 रुपए का काम कर रहे थे। पहले मेरे जितने दोस्त हैं, जान पहचान के लोग हैं, वो बताते हैं कि पहले 10 किलोमीटर की ट्रिप लेके जाते थे ना, तो लगभग 400-500 रुपए मिलते थे, और अब क्या मिलता है, 150 रुपए। तो ये हाल है, ये हाल धीरे धीरे मुझे लगता है और भी बर्बाद हो सकता है। देखो, एक चीज तो है दोस्तों, नई गाड़ी लेकर इस बिजनेस में आना अभी रिस्क हो चुका है, ये आप मान लो, ये सच्चाई है। क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में इलेक्ट्रिक बूम कर रही है, धीरे धीरे। सिटी में, दिल्ली जैसे शहर में मैं रहता हूँ, देखता हूँ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और ये सारी जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। टैक्सी में भी एक आधा नजर आने लगी हैं। आपको पता है उबर ने, ओला ने पहले टैक्सी में डीजल गाड़ियां भी चलती थी, लेकिन इन्होंने डीजल को हटाना जब स्टार्ट किया था, तो डीजल वाले जो नई नई गाड़ियां लेकर आ गए थे मार्केट में काम करने, वो परेशान हो गए थे बिल्कुल, मतलब कि ईएमआई भी जानी थी। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी की कमाई का धंधा बंद हो गया और वो क्या करेगा फिर। जैसे तैसे उन्होंने कुछ जुगाड़ किया, किसी की गाड़ी खींच गई, किसी की ईएमआई टूट गई, किसी ने अपनी सैलरी से पैसे दिए, किसी ने नौकरी करी, बहुत सारी चीजें, इस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बूम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कोई भी 10 से 12 लाख रुपए की गाड़ी लेकर आप इस बिजनेस में आए। और बिजनेस में आओगे, एक चीज तो पक्का है, 3-4 साल आपका टाइम निकल जाएगा। कहां पैसे कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे यह नहीं पता, निकल जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया परमिट होगी, 10 साल का परमिट होगा, 4 साल आप ड्राइव करेंगे तो आप क्या ही निकल पाएंगे, 4 साल में कुछ नहीं निकलेगा गाड़ी से, समझ रहे दोस्तों। फिर आपको उसको व्हाइट प्लेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ओला उबर तो उसको हटा देगी। जैसे इलेक्ट्रिक का बूम हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जैसे जैसे अटैच करना स्टार्ट कर दिया ओला उबर ने, तो ये फ्यूचर मुझे इसका, जो पेट्रोल और ये सीएनजी गाड़ियां हैं, इनका फ्यूचर कुछ लॉन्ग नहीं है। और अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी महंगी है कि कोई बंदा, नॉर्मल बंदा लेकर मार्केट में आ भी नहीं सकता, इतनी महंगी गाड़ियां हैं। आप समझ सकते हैं 13-14 लाख रुपए की गाड़ी आती है, जैसे अपना टाटा की ले लीजिए, नेक्सॉन वगैरह, इतने की आती है ईवी। ठीक है, और दिल्ली में बहुत ज्यादा चार्जिंग पॉइंट हो चुके हैं, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा और अपना गुड़गांव, इधर बहुत ज्यादा चार्जिंग पॉइंट हो गए। और अब हिल स्टेशन पे चले जाइए, वहां भी चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है। तो ये है, मार्केट बदल रहा है, मार्केट का ट्रेड बदल रहा है, धीरे धीरे मार्केट बदल रहा है। तो नए भाई जो भी प्लान कर रहे हैं कि भाई मैं एक गाड़ी ले लूं ओला उबर में चलाने के लिए, तो भाई थोड़ा सा रुक जाओ, एटलीस्ट मेरे कहने से 7-8 महीने रुक जाओ। हो सकता है कि आपको ट्रेड समझ में आने लगे, क्योंकि 2023 में आपको दिखेगा बहुत सारी कंपनियों की नई नई गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, सस्ते सस्ते आ रही है। तो इलेक्ट्रिक से आप आओ मार्केट में, तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अभी आप फिर एक ही क्वेश्चन करोगे, सोनू भाई आपने क्यों ली,
देखो मैं तो लेकर फंस गया हूँ, मैं क्लियर कहता हूँ मैं लेकर फंस गया हूँ, लेकिन आप ना फंसो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मार्केट का ट्रेड समझो दोस्तों। बाकी आप इसके बारे में, ये देखो ये घंटों का टॉपिक है, लंबी डिस्कशन का टॉपिक है, तो ज्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं करूंगा क्योंकि आप फिर बोर हो जाओगे, फिर देखोगे नहीं, ठीक है। तो टॉपिक इसका बहुत लंबा है, लेकिन जो मैंने सटीक बात, आखिरी कैलकुलेशन आया ना, आप थोड़ा सा वेट करो, इलेक्ट्रिक आ रही है, इलेक्ट्रिक लेने की कोशिश करो। सस्ती गाड़ियां आने वाले समय में, 6 से 7 महीने में बहुत सारी गाड़ियां हैं भाई मार्केट में आने वाली है, मारुति भी अपनी इलेक्ट्रिक ला रहा है, तो ऐसी गाड़ियों से मार्केट में आओ जिससे आप 10 से 15 साल चला सको उस गाड़ी को, अच्छा पैसा कमा सको। बाकी इनका फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है मुझे, मेरी वाले का क्या होगा वो भगवान ही जाने। अब देखो कूद पड़े हैं गंगा में तो या तैरेंगे या डूबेंगे, कुछ तो होगा, लेकिन आप डूबो मत। तो ये थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दो अपने, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो एंड अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग की सोच क्या है इस बारे में, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।